करना है, क्योंकि हम मेन गलती कर देते हैं डाई सेट करते समय, डाइयों को ढंग से सेट नहीं करते हैं, और जिससे क्या है हमारा जो डाइयां आगे पीछे रह जाती हैं, जिससे क्या है बढ़िया फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो हमें सबसे पहले डाइयों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें इन्हें लगाना है जिससे क्या है बढ़िया सफाई आए हमारी। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डाइयों को किस तरीके से सेट करना है। हमें आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने इस डाई को सेट किया है, दिख रहा होगा आपको ये जो डाई की कोर है और जो अंदर हमारी स्लॉट की कोर है दोस्तों, मतलब जैसे कि इस कोर्स दिख रहा होगा सेम, इसके ऊपर हमने प्रॉपर सेट किया है, दिखा आपको जैसे कि सेम इसकी और कोर और अपनी जो स्लॉट की कोर दोनों सेम है, मतलब बराबरी है, एक लेवल है। जो वायर गिरेगा, जैसे कि देखो हम हल्के से आपको दिखाते हैं वायर को लेके, वायर जैसे हम डालेंगे, ये देखो ये वायर आ रहा है, ये आपको दिखा, ये देखो ये जो वायर आ रहा है, ये देखो दिख रहा है वायर आपको, ये देखो ये जो वायर है ये सीधा हमारा क्या है देखो स्लेट के ऊपर से, मतलब इसके ऊपर से सीधा हमारे अंदर आ गया। हम यही गलती कर देते हैं, ये से ऊपर छोड़ देंगे, डाई को हल्का सा नीचे कर देंगे, जिससे क्या हमारा वायर ऊपर फंसने लगता है, फंसते फंसते वायर क्या होता है बाहर निकल जाता है, जिससे क्या हमारी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। ठीक है, चलो एक साइड हमने देख लिया, हम चलो दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड भी हमने सेम इसी तरीके से लिया, देखा आपको, चलो मैं वायर यहां भी दिखा देता हूं आपको डाल के। जैसे कि हमने वायर लिया, ये देखो सीधा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर से आ रहा है, ये देखो ये जो कि वायर हमारा इसके ऊपर से सेम सीधा स्लॉट में जा रहा है। इसी चीज का मैं दोनों साइड ध्यान रखना है, ये देखो देखा आपको, ये जो वायर है सीधा स्लॉट के अंदर जा रहा है, यानी कि यहां से अड़ास नहीं है किसी प्रकार से। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ऊपर का दोनों साइड का, ये चलो नीचे दिखाते हैं हम। सेम इसी तरीके से हमने नीचे भी अपना कनेक्ट किया है, मतलब लगाया दोस्तों, ये देखो दिख रहा है सेम इसी तरीके से। अब वायर क्या हमारा, इस चीज को भी ध्यान रखना है हमें, जो ये दो पत्ती दी गई है इन पत्तियों का भी हमें ध्यान रखना है सेम किस तरीके से। इन पत्तियों का जो आपको दिख रही होगी, ये जो पत्ती लगाई हुई है, इनका भी हमें मेन चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ये ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब कहां से ऊपर जो ये दिख रहा होगा आपको इतनी इस लेवल पे हमें रखना है, जो कि मैं आपको नाखून से दिखा रहा हूँ दोस्तों, सेम इस जगह रखना है। कुछ कहवेर हम यहाँ इतने आगे पीछे कर देते हैं जिससे कि हमारी वायर जो है इसके अंदर फंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो पत्तियां वगैरह हमने जो लगाई है नीचे की, ये देखो आपको दिख रही होगी ये प्रॉपर पट्टी हमारी सेट है, जो कि सीधा वायर हमारे अंदर जाएगा, दिख रहा होगा आपको। इन पत्तियों को सेट करना प्रॉपर, देखो इसमें भी देखना अपना, हल्की सी आपको दिख रहा होगा कि हमारी पत्ती ऊपर है और स्लॉट नीचे है दोस्तों, तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे हम, इसके हल्का सा नीचे ले लेंगे, जो कि वायर क्या है सीधा हमारी स्लॉट के अंदर ना फंसे। यानी कि कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि हमारे जो वायर है यहाँ पे ना फंसे, सीधा इसके अंदर जाए, यानी कि इसके थ्रू अंदर चला जाए, कि हम क्या कहें पत्तियों को हम थोड़ा पीछे कर देते हैं इस तरीके से। देखा जैसा कि मैंने ऊपर वाली सेट करी है कि पत्ती हल्की सी पीछे है, जो कि वायर को फंसाएगी बार बार, कटिंग करते समय हमारी ये स्लॉटों पर हल्का सा ब्लेड वगैरह लग जाता है, या कटर लग जाता है, या पेचकस प्लास कुछ भी लगता है दोस्तों, तो ये हल्का सा इसमें दांते से बन जाते हैं, जिससे क्या वायर हमारा फंसने लग जाता है। तो चलो अब डाई को सेट करने के बाद मैं आपको चला के दिखाऊंगा, पहले हल्का सा हम इसे नीचे कर लेते हैं। चलो हमने इसे हल्का सा नीचे कर लिया है, चलो अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। चलो कर लेते हैं हम मशीन को स्टार्ट। ठीक है, देखो हमने एक दो टर्न डाल के देख लिए हैं इसमें, इसी तरीके से सेम ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलो हम यहाँ कर दिए मशीन स्टार्ट। ठीक है, ये देखो हमने उंगली लगाने की जरूरत तो नहीं है वैसे, हालांकि हल्का बहुत लगा लोगे, पहली और लास्ट कॉइल में जरूर लगा लेना है दोस्तों, उंगली का भी थोड़ा फायदा है दोस्तों, इससे क्या है वायर बिखरती नहीं है और आगे पीछे सीएनसी मशीन की तरह होती रहती है दोस्तों, दिख रही होगी। देखो ये कॉइल हमारी प्रॉपर आई है दोस्तों, पूरी प्रॉपर आई है, जैसे कि सीएनसी मशीन में आपने देखा होगा सेम उसी तरीके से पूरी सेट आई है। ठीक है, चलो सेकंड कॉइल को भी हम आपको डाल के दिखा देते हैं सेम इसी तरीके से। चलो दूसरी कॉइल को भी हम इसी तरीके से सेम डाल लेंगे। देखो हल्का सा उंगली लगाना चाहो तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये छोटी छोटी कमियां दोस्तों मैं आपको हर तरीके से बताता चल रहा हूँ कि हम किस तरीके से वाइंड करें, जो कि हमारा प्रॉपर आए और कोई दिक्कत ना आए दोस्तों। देखो यानी कि दो सेट हमारे डल गए हैं और पूरे प्रॉपर हैं दोस्तों। चलो मैं पूरा स्लिंग फैन आपको वाइंड करके दिखाता हूँ इसी तरीके से सेम, और आप देखना कि हमारे किसी प्रकार से कोई जोड़ नहीं और किसी तरह से कॉइल नहीं बिखरेंगे दोस्तों। सेम सीएनसी जैसी मशीन होती है दोस्तों, वो वाइंड आएगा हमारा, जैसे कि सिंगल सिंगल डाई है दोस्तों, मास्टर डाई भी नहीं, हम फिर भी बढ़िया फिनिशिंग के साथ इसे वाइंड करें। चलो अब हम इसी तरीके से तीसरी कॉइल को भी डाल देंगे।
देखो आपको दिख रहा होगा फिनिशिंग काफी अच्छी आ रही है हमारी, जैसे कि सीएनसी मशीन में आपने देखा होगा। बाकी 19-20 मैंने आपको पहले बताया था, 19-20 तो रहता है फर्क दोस्तों। चलो अब तीसरी कॉल भी मैं आपको दिखाता हूँ डाल के सेम इसी तरीके से। हमारा 12+12 स्लोटी स्लिंग फैन है दोस्तों ये। चलो तीसरी कॉल भी हम डाल लेते हैं। चलो दोस्तों तीसरी कॉल भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे। अब हल्का सा उंगली लगाना चाहो लगा सकते हो। चलो जल्दी जल्दी हम डाल के दिखा देते हैं आपको। मैं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक बताना चाहिए। चलो दोस्तों लास्ट कॉल रह गया, सेम आपको दिख रहा होगा कहीं भी जोड़ नहीं आया हमारा दोस्तों, बाकी प्रॉपर बंदा। ये देखो काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा दोस्तों वाइंड हुआ है। ये हमारी लास्ट कॉल डल के, चलो दोस्तों लास्ट कॉल भी हमारी डल के कंप्लीट हो गया है। चलो अब हम ये निकाल लेते हैं। ये देखो पूरी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये हमारा वाइंड हुआ है। देखो एक भी कॉइल बिखरी नहीं है दोस्तों, एक भी तार हमारा बाहर नहीं है सीलिंग फैन से, दिख रहा होगा। और प्रॉपर गैप आया हुआ है, जैसे कि आपने देखा सीएनसी वाली मशीन में गैप होता है, सेम उसी तरीके से गैप है। दोनों साइड दिखा देता हूं मैं आपको, देखो दोनों साइड सेम बंधा हुआ है दोस्तों, मतलब एक भी जोड़ नहीं। मजा आया, हम इसे उतार लेते हैं। और मैं ये जो मजा उतारने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक परसेंट भी हमारा दोस्तों इसमें जोड़ नहीं है, एक भी वायर हमारा बिखरा नहीं है, यानी कि प्रॉपर वाइंड करा है दोस्तों हमने इसे। मतलब बस केवल क्या था, जो डाई सेट करने का तरीका होता है दोस्तों, बस वही हम गलती कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो पंखा है इसमें सफाई नहीं आ पाती दोस्तों। दिख रहा है आपको, एक भी जोड़ नहीं है और प्रॉपर वाइंड करा है हमें सेम। बस केवल क्या है, हमारा डाई सेट करने का तरीका था दोस्तों, जिससे कि हमारी पूरी फुल फिनिशिंग आई है दोस्तों इसके अंदर। चलो अब हम इसमें पेपर डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने पूरा वाइंड करके बाद पेपर लगा लिया, पेपर लगाने के बाद देखो दोस्तों अब हम करेंगे इसकी रनिंग वाइंडिंग। दोस्तों देख रहा होगा आपको काफी फिनिशिंग के साथ हमारा वाइंड हुआ है, एक भी वायर दोस्तों वायर हमारा वार नहीं है दोस्तों, सेम दोनों साइड हमारा इसी तरीके से वाइंड हुआ है दोस्तों। चलो ये हमारा 12 स्लोटी है, 12 स्लोटी में आपने अक्सर देखा होगा क्या वायर हमारी सारी बाहर आ जाती है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। केवल क्या था, हमने डाई को प्रॉपर सेट करा, जिस कारण से क्या है हमारी बढ़िया फिनिशिंग आई है दोस्तों। चलो अब हम वाइंडिंग करते हैं रनिंग। दोस्तों डाई को हमने जैसा कि पहले बताया था आपको, नीचे ऊपर तक हमने सेम सेट कर लिया है, दिख रहा होगा आपको। चलो मैं एक और दिखा देता हूँ फिर भी, देखो सेम इस तरह के हमने यहाँ भी लिया, पूरी प्रॉपर हमारी और सेम ऊपर से ऐसे ही हमने प्रॉपर कर लिया है दोस्तों। पत्ती को भी हमने सेम उसी तरीके से जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और देखो काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ अब हम करते हैं अपना रनिंग वाइंडिंग। चलो हम कर देते हैं मशीन को स्टार्ट। देखो हमने पहली कॉइल डाल ली है, जो छोटी मोटी कमी रह जाए दोस्तों तो हम उसे हल्के दोबारा सेट कर लेंगे, किसी तरीके से कोई कमी छोड़नी नहीं है हमें इसमें, ठीक है। देखो बाकी हमारी प्रॉपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहली कॉल हमारी ठीक गई है, दोनों साइड से देख लेते हैं हम। हाँ हमारी पहली कॉल ठीक है दोस्तों,
ठीक है चलो नेक्स्ट कॉइल भी इसी तरीके से हम डालेंगे। डालते समय ध्यान रखना है हमारी डाई का दोस्तों, 19-20 सेटिंग नहीं बनती तो दोबारा से सेटिंग करें इसकी। चलो कई बार क्या है जो ऐसे बाहर तार निकलने लगते हैं तो डाई को हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे 19-20 किसी प्रकार से कोई दिक्कत लगे तो। देखो हल्का सा हमें लग रहा है कि हमारी गड़बड़ अब भी हल्की सी गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे डाई को 19-20 फिर सेट कर लेंगे क्योंकि हमें कमी छोड़नी नहीं है ताकि लूज रहे। चलो चलो नेक्स्ट कॉइल को हम डाल के देखते हैं। हमने हल्की सी डाई को पीछे कर लिया था, काफी आगे आ गई थी जिससे कॉइल हमारी फंस रही थी। चलो हमने हल्का सा पीछे करा, आप देखते हैं हमारी कॉइल फंसती तो नहीं है। हल्की सी डाई हमारी आगे थी जिससे क्या है दो वायर हमारे बाहर आ गए थे, केवल दो वायर, तो इस वजह से हमने हल्की सी डाई को पीछे करा। पीछे करने के बाद देखो दोस्तों अब तक कोई वायर बाहर नहीं आया, यानी कि डाई हमारी प्रॉपर सेट हो गई है। दोनों साइड सेम है, इस साइड भी हमारा सेम वायर बाहर नहीं निकला है दोस्तों। चलो इसी तरीके से सारी बांध लेंगे हम पूरी। चलो सभी फटाफट हम इसे कर देते हैं। चलो दोस्तों ये लास्ट कॉइल भी हम डाल देते हैं, यानी कि देखो हमारी किसी भी कॉइल में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। देखो सभी कॉइल हमारी प्रॉपर निकल गई है, स्टार्टिंग में छोटी सी कमी लगी थी हमने दोस्तों वह भी क्लियर कर ली थी। मतलब क्या था, एक दो टर्ने बाहर निकलने लगी थी उन्हें भी हमने बाहर कर लिया, सीधा कर लिया था दोस्तों। यानी कि हमारी देखो सभी कॉइल ठीक तरीके से आई हैं, पूरी अच्छी वाइंड हुई है दोस्तों। चलो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद देखते हैं। ठीक है दोस्तों दिखाते हैं आपको, एक भी जोड़ नहीं है पूरी मशीन के अंदर, मतलब सॉरी स्लिंग फैन के अंदर कहीं भी कोई जोड़ नहीं आया है, केवल चार वायरों में हमने इसे वाइंड कर लिया काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये देखो दिख रहा होगा आपको दोस्तों, केवल डाई सेट करने का तरीका था हमारा, केवल डाई सेट करने का। काफी स्लोटों के अंदर गैप है, देखो आपको दिख रहा होगा काफी अच्छा गैप है।